रुक जाओ राहुल, रुक जाओ, अपनी साइकिल को यहीं पे रोक लो। अरे रुक तो गया मोदी जी, बोलो क्या बात है राहुल। और कोई बात होगी, जब तक तुम्हारी एक आइसक्रीम ना खा लूं दिन भर में, तब तक मजा ही नहीं आता है। मेरी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आए। अरे हाँ मोदी जी, ले आया आपकी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आया। आप पूरे 5 दिन से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मंगा रहे थे, लेकिन फैक्ट्री में मिली नहीं पा रही थी। आज आखिरकार ऑरेंज वाली आइसक्रीम मिली गई, ले आया। लेकिन मोदी जी साफ साफ बता देता हूँ, ऑरेंज वाली एक आइसक्रीम 10 रुपए की है। राहुल ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम 5 रुपए की एक आइसक्रीम बेचती हो और मैं तुमसे 5 रुपए की एक आइसक्रीम रोज लेता हूँ। आज मेरी जेब में भी 5 ही रुपए पड़े। देखो मोदी जी, जो आप मुझसे रोज आइसक्रीम खरीदते हो वो मैंगो वाली आइसक्रीम है, वो सस्ती आइसक्रीम है, 5 रुपए की मिलती है। लेकिन ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम मुझे फैक्ट्री से ही महंगी मिली है। लेना है लो, नहीं लेना है तो बताओ। लेना क्यों नहीं है राहुल, ऑरेंज वाली आइसक्रीम मैंने ही तुमसे मंगाई है और मैं ही नहीं लूंगा। लेकिन राहुल एक काम कर दो, मेरी जेब में 5 ही रुपए पड़े और तुम्हारी ऑरेंज वाली आइसक्रीम 10 रुपए की है, तो ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो, 5 रुपए कल दे दूंगा। देखो मोदी जी बुरा मत मानना, मैंने आइसक्रीम उधार बेचना बंद कर दिया है। अब वो देखो योगी जी बैठे हुए, उन पर आइसक्रीम के मेरे 5,000 रुपए आ रहे हैं, दे ही नहीं रहे। राहुल ये बताओ, तुम्हारे मेरे ऊपर अगर 5,000 रुपए आ रहे हैं तो तुमने मुझे उधार आइसक्रीम दी क्यों? अब मेरे पास जब पैसे होंगे तब दूंगा। योगी जी इस तरीके की बात नहीं करती। राहुल से जब तुमने आइसक्रीम उधार मांगी होगी तभी तो उन्होंने दी होगी, जैसे अब मैं राहुल से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मांग रहा हूँ। चलो मोदी जी, आपको तो मैं ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे देता हूँ क्योंकि आप उधार चुका देते। राहुल हम ऑरेंज वाली आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, 10 रुपए हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 5 ही रुपए पड़े। हम तो जो 5 रुपए की रोज चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते वो ही दे दो। अरे देता हूँ केजरीवाल जी, लेकिन आप मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो, इधर सामने आओ। अरे अखिलेश भी ऑफिस से आ गया। राहुल भाई मेरे लिए एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम, एक मैंगो वाली और एक जो मोदी जी ने मंगाई है ये ऑरेंज वाली, ये तीनों दे दो। तीनों आइसक्रीम थैली में करके दे देना, मैं घर ले जाऊंगा। अभी देता हूँ अखिलेश, थोड़ी देर रुक जाओ, केजरीवाल जी को और मोदी जी को आइसक्रीम दे दूँ, उसके बाद तुम्ही को देता हूँ। राहुल जब तुम मोदी जी को उधार आइसक्रीम दे रहे हो तो मुझे भी उधार आइसक्रीम दे दो, तुम्हारे मेरे ऊपर 5,005 रुपए हो जाएंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी ये साइकिल का पहिया ही संभालते रहोगे, हमारी भी साइकिल देख लो, हम कितनी देर से बैठे हुए हैं। योगी जी तुम्हारी साइकिल कहाँ पर है, मैं तो पहिया रिपेयर कर रहा हूँ साइकिल का, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? अरे ये देखो हमारे सामने ही पड़ी है, टूटी फूटी सी, देखो। अरे हाँ योगी जी ये पड़ी तो है टूटी फूटी साइकिल, ये कैसा बुरा हाल करके ले आए साइकिल का। सुबह तो तुम मेरी इस साइकिल रिपेयरिंग की दुकान के सामने से निकल के गए हो, अच्छी तरीके से साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, साइकिल का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? अरे मोदी जी मैं आपको क्या बताऊं, जैसे भी हाल हो गया हो गया, सब कुछ दोस्ती में ही होता है, इस अखिलेश की वजह से ये हो गया। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, अभी ये बताओ इस साइकिल को पहले जैसा बनाने में कितना रुपया खर्चे में आएगा, बताओ रिपेयर करने में कितना रुपया लगेगा? देखो योगी जी मैं तुम्हें झूठा दिलासा तो नहीं दूंगा, तुम्हारी साइकिल का जो हाल है उसको देखकर ऐसा लगता है इस साइकिल में कितना भी पैसा लगा दोगे ये साइकिल पहले जैसी नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन तुमने बताया नहीं आखिर ये साइकिल का हाल ऐसा हुआ कैसे, अभी तुम अखिलेश का नाम ले रहे थे, क्या हुआ बताओ? मोदी जी ये योगी जी तो बेफालतू में मेरा नाम ले रहे हैं, साइकिल का ये हाल मुझसे नहीं हुआ, खुद योगी जी से ही हुआ है। लेकिन अखिलेश मैं तो मना कर रहा था मेरी साइकिल पे पीछे मत बैठो मत बैठो, तुम अचानक पीछे से बैठ गए, साइकिल देखो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अरे मेरी ये साइकिल सिर्फ एक आदमी का लोड झेल सकती थी, ज्यादा मजबूत साइकिल नहीं थी। जिस दुकानदार से मैंने ये साइकिल खरीदी थी उसने ये कहा था कि इस साइकिल पर एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं बैठाना। अब मैं साइकिल चला रहा था, तुम अचानक पीछे से आकर बैठ गए, साइकिल देखो टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट गई। लेकिन योगी जी इतनी कमजोर साइकिल ली क्यों तुमने, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति का भार संभाल पाए? अब अखिलेश तुम्हें भी अचानक से योगी जी की साइकिल पर पीछे नहीं बैठना चाहिए था, अब बताओ इस साइकिल को रिपेयर करने में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा? मोदी जी इस बात की चिंता आप मत करो, मैंने योगी जी को आधा खर्चा देने का वादा किया है, इस साइकिल में जितना भी पैसा लगेगा आधा पैसा मैं दूंगा, आधा योगी जी देंगे। लेकिन मेरी कुछ शर्तें सुन लो, इस साइकिल को ठीक होने में कम से कम महीना लगेगा और इस साइकिल को ठीक करने में 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। अरे मोदी जी 3500 रुपए में तो पूरी नई साइकिल मिल जाती है और आप 5,000 रुपए साइकिल को रिपेयर करने के लिए मांग रहे हो, ये कैसी बात हुई? अखिलेश मोदी जी सही पैसे मांग रहे हैं, साइकिल को रिपेयर करने में ज्यादा पैसा लगता है, नई खरीदने में इतना पैसा नहीं लगता है। देखो मेरी साइकिल का पहिया ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ये नया 1,000 का मिल जाता है, लेकिन इसको ठीक करवाने में पूरे 1500 रुपए खर्च हो गए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
क्या बताया जाए योगी जी, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। अरे आज तो मैं गांव से रेगिस्तान होता हुआ शहर जा रहा था, लेकिन वो देखो मोदी जी इंस्पेक्टर जी सामने चले आ रहे हैं। लगता है ये मोटरसाइकिल का आज चालान काट ही देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हो? और तुम हम सब लोगों को गांव से शहर पहुंचाने के पूरे 50-50 रुपए लेते हो, लेकिन हम भी तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं क्योंकि हम अगर बस से जाएंगे तो हमारे 100 रुपए खर्च होंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल पे जाने से आधे ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तुम सवारी बहुत ज्यादा बैठा देती हो मोटरसाइकिल पे। राहुल ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बड़े आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? करेंगे क्या योगी जी, चालान ही काटेंगे मोटरसाइकिल का, और क्या होगा? अरे मेरे पास रह दे के ये मोटरसाइकिल ही थी, ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था तो मैं इस मोटरसाइकिल से ही सवारी ढोने का काम करता था, लेकिन ये मोदी इंस्पेक्टर जी इस काम को भी नहीं करने देंगे। रोक लो राहुल, अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो। मुझे खबर मिल गई थी तुम रेगिस्तान के शॉर्टकट रास्ते से गांव से शहर इतनी सवारी लेकर जा रहे हो। पता नहीं मोदी जी आपको कौन खबर दे देता है। मोदी जी उससे पहले आप कुछ पूछिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, हम सब लोग इकट्ठे होकर शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हमें कोई ऑटो रिक्शा मिला नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जा रहे हैं। लेकिन राहुल मुझे तो खबर कुछ और मिली है। मुझे खबर मिली है तुम अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से शहर इन सवारियों को ले जाते हो और इन यात्रियों से अच्छा भाड़ा वसूलते हो। अब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे इतने ज्यादा लोग हैं तो मोटरसाइकिल का चालान तो कटेगा ही। मोदी सर जी, शहर जाने के लिए देर हो रही है, इस बार हमें छोड़ दो। राहुल भैया की मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मोटरसाइकिल राहुल की है, मुझे राहुल से बात करने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्या शादी में जा रहे हो? मोदी सर जी मैं झूठ क्यों बोलूं, शादी में नहीं जा रहे हैं। राहुल हमें गाँव से शहर ले जा रहा है और ये हमसे 50 रुपए का भाड़ा लेगा शहर पहुँचाने के लिए। क्यों राहुल, ये लालू जी क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे थे सब लोग शादी में जा रहे हैं खाना खाने। मोदी जी हम सब लोग शादी में ही खाना खाने जा रहे हैं, ये लालू जी झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। देखो मोदी जी, अब हम शादी में जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं इस बात को छोड़ो, आज के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। आज मेरी मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। चलो राहुल मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इतनी ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पे बैठाई तो मैं मोटरसाइकिल का चालान काट दूंगा। और बहनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।